नहीं, देखिए सवाल जाति का नहीं है, कुमार सरबजीत जी कहीं लड़ाई में है ही नहीं, महागठबंधन कहीं आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी कर रहे हैं और मांझी जी के भी कर रहे हैं, क्योंकि मांझी जी जो कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो कार्य किया सराहनीय कार्य था, और जो उनका ड्रीम है जैसे बियर बांध बनाना, फिर सोन नदी से आपको घोड़ाघाट बांध तक पानी को लाना, और भी बहुत सारे कार्य हैं तो उनको पूरा करना है। मांझी जी नहीं, वो जंगल राज से आते हैं। अच्छा। वो क्या करेंगे वो जाने, उनका काम जाने, जनता को भरोसा मांझी पर ही है और एनडीए पर है। मांझी जी एकदम किस तरीका से एकदम जोर तोर से लगे हुए हैं। अच्छा। अब अच्छे से काम भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे बिल्कुल। मांझी फांझी जो भी है ना मांझी जी यार, सब मोदी का चेहरा है। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। देखिए लोकसभा चुनाव होने हैं, आपको बता दें देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया थम चुकी है। पहले चरण में जिन 4 लोकसभा में चुनाव होने हैं उनमें गया लोकसभा खास है, क्योंकि गया लोकसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें पिछले 3 बार से जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बने, लेकिन हार का सामना करना पड़ा है। इस बार जीतन राम मांझी एनडीए का समर्थन से गया में पहली बार जो है वो चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार सरबजीत भी मैदान में है। तो हमारे साथ गया के कुछ वोटर हैं, उनसे जानेंगे कि क्या गया का माहौल क्या है, किसके पक्ष में गया के लोग हैं। क्या नाम है सर जी? मेरा नाम गुड्डू कुमार पासवान हुआ। पासवान है, क्या लगता है इस बार गया में क्या हो रहा है? बिल्कुल, इस बार गया में हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भारी मतों से जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? इसलिए जीत रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है, 40 वर्षों से राजनीतिक जीवन में हैं और कई मंत्रालय को उन्होंने देखा है, और ख़ास करके उनका जो एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, चिराग जी जो कर रहे हैं, नीतीश नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कर रहे हैं या जीतन राम मांझी के काम पे कर रहे हैं? नहीं देखिए कि यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार है, और भारत के साथ साथ प्रदेश का विकास दोनों संयुक्त रूप से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत ही विकास की ओर बढ़ रहा है। आप पासवान जाति से आते हैं, कुमार सरबजीत भी पासवान जाति से आते हैं, क्या कहेंगे कुमार सरबजीत के लिए? नहीं नहीं देखिए सवाल जाति का नहीं है, कुमार सरबजीत जी कहीं लड़ाई में है ही नहीं, महागठबंधन कहीं आप देख लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि बाप बेटी की लड़ाई है, बाप हमेशा बेटा जीतता है। कहने से नहीं होगा, हम लोग भी तो लगे भीड़े हुए हैं ना। मांझी जी मतलब मांझी जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या नाम है? रोहित कुमार। क्या लगता है क्या गया में माहौल है? गया में माहौल तो बस एक ही है कि इस बार 400 पार के लक्ष्य जो है पूरा होगा। 400 पार पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है? हाँ, मोदी जी गारंटी पे भरोसा है कि वो जो काम कर रहे हैं सबके हाथ में मिल रहा है। पहले था लूटपाट, अब कोई लूटपाट नहीं है, हर एक काम हर एक को मिल रहा है। कब था लूटपाट? जब एनडीए के पहले जो सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट। अच्छा। योजना आया, योजना फाइल में गायब हो गया, अब योजना जो भी आ रहा है सबको मिल रहा है, बराबर भाव में मिल रहा है। किनके चेहरे पे वोट करे, जीतन राम मांझी के चेहरे पे या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे? नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी कर रहे हैं और मांझी जी के भी कर रहे हैं, क्योंकि मांझी जी जब कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो कार्य किया सराहनीय कार्य था, और जो उनका ड्रीम है जैसे बियर बांध बनाना, फिर सोन नदी से आपको घोड़ाघाट बांध तक पानी को लाना, और भी बहुत सारे कार्य हैं तो उनको पूरा करना है, इसलिए उनको वोट दे के भेजेंगे लोकसभा। और उनसे चुनौती है जीतन राम मांझी के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्या नाम है? रमावार कुमार। क्या लगता है वोट करते हैं? जी करते हैं। क्या लगता है इस बार गया लोकसभा में क्या होने जा रहा है, कौन जीत रहे हैं गया लोकसभा? ये पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी, क्यों जीतन राम मांझी? वो एक अच्छा मतलब नेता भी हैं। और कुमार सरबजीत को जानते हैं? जी जानते हैं। कौन है? कृषि मंत्री बने। कैसा लगता है उनका काम, बोध गया कि वो भी विधायक है? वो हमको सब नहीं मतलब उतना जानकारी नहीं है। मांझी जी बस। मांझी जी बस। क्या नाम है? क्या नाम है? टालीग्राम डूबे। क्या लगता है इस बार क्या गया का माहौल क्या है? गया का माहौल वही है जो हिंदुस्तान भर का माहौल है। अच्छा। मांझी जी का जीत किसी से रुकने का मानक नहीं है। आखिर क्यों सब कोई मांझी जी कर रहे हैं, क्यों कुमार सरबजीत भी मैदान में है? मांझी जी अनुभवी हैं,
कांग्रेस के टाइम में भी मंत्री रहे हैं। अच्छा। प्राय हर टाइम में मंत्री रहे हैं। अच्छा। उम्र भी हुआ है। तो तीन बार से क्यों हार जा रहे हैं मांझी जी? तीन बार से हार जाने का कारण मांझी जी ही बता सकते हैं, हम यही जानते हैं कि इस बार जो मांझी जी अपना पकड़े हैं, जो अलायंस है NDA का। अच्छा। इसमें और जब हारे थे तब में दोनों समय का तुलना कर लिया जाए। क्या लगता है मांझी जी जब जीतेंगे चुनाव तो गया में क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा, हम लोगों को तो ऐसा भरोसा है कि मांझी जीतेंगे तो बियर बांध बनेगा ही बनेगा। अच्छा। और इससे वाटर लेवल भी ठीक रहेगा। अच्छा। और किसान का भी बहुत बड़ा सहयोग होगा, कृषि में भी उत्पादन बढ़ जाएगा। तो कुमार सर जीतेंगे तो ये नहीं करेंगे क्या? अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमको लगता है कि मांझी जी नहीं, वो जंगल राज से आते हैं। अच्छा। वो क्या करेंगे वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा। जनता को भरोसा मांझी पर ही है और NDA पर है। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। गया के रहने वाले जी। क्या वोट करते हैं? एकदम बिल्कुल करते हैं। क्या लगता है गया में क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, एकदम मांझी जी का एकदम पक्ष में वोट जा रहा है गया में। मांझी जी का, मांझी जी जीत रहे हैं। मांझी जी एकदम बिल्कुल। तीन बार से हार भी रहे मांझी जी? नहीं नहीं, ऐसा देखिए सबसे बड़ी बात है कि लक की बात है, लक नहीं लग रहा है, इस चलते उनको दिक्कत हो रहा है। इस बार समीकरण बदला हुआ है, पिछले बार महागठबंधन से रहते थे, इस बार NDA की तरफ से। बिल्कुल, अब ये एकदम पूरा एकदम बहुमत से एकदम निकलेंगे। सर कुमार सरजीत को कैसे देखते हैं? देखिए ये कोई कहने वाली बात नहीं है, जो दिखता है बाजार में वही बिकता है। कौन दिख रहा है और कौन बिक रहा है तो आप एकदम बिल्कुल देख रहे हैं कि ना मांझी जी एकदम किस तरीका से एकदम जोर तोर से लगे हुए हैं। अच्छा। और अच्छे से काम भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। क्या करते हैं? हम एक्स पर्सन हैं, जॉब से रिटायर हैं, GRP से। अच्छा। क्या लगता है इस बार क्या हो रहा है देश में? 110% मोदी। हाँ, मांझी फांझी जो भी है ना मांझी जी यार, सब मोदी का चेहरा है। अच्छा, मतलब मोदी जी के कारण मांझी जी जीते? मोदी जो आह्वान किया 400 पार, एट एनी कॉस्ट 400 पार होगा। अच्छा, 400 पार होगा, सब ताली बजा रहे हैं। दिस इज माय गारंटी, 110% नहीं, 110%। मतलब मोदी जी। हाँ।